हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के द्वारा हम आपसे सीटेट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट की एग्ज़ाम जो है जुलाई में है और आप सब ने अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन आप सब जानते हैं हर साल लाखों बच्चे सीटेट की परीक्षा देते हैं, लेकिन सीटेट का एग्ज़ाम बहुत कम बच्चे ही क्वालिफाई होते हैं। जैसे कि इस बार का आप 2019 का रिजल्ट आपने देखा ही होगा, 2019 का पासिंग रिजल्ट मात्र 22% गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीटेट की परीक्षा बहुत टफ है। सीटेट की परीक्षा टफ नहीं है, बस सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए एक हमें सही डायरेक्शन पे मेहनत करने की ज़रूरत। जैसा कि आप सब जानते होंगे, हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन इज़ द की ऑफ अ सक्सेस। किसी भी एग्ज़ाम को या किसी भी काम करने के लिए कठिन परिश्रम बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक है कठिन परिश्रम को एक सही दिशा में करें। इसी कारण मैं आज आपसे इस वीडियो में सीटेट के बारे में कुछ बातें डिस्कस करूंगी कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना सीटेट का एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया। सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है उसमें क्या होता है, हम सब जानते हैं दो लेवल पे होता है, प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल में, और उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट के 15-15 नंबर के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तथा हर सब्जेक्ट के 15 नंबर के सब्जेक्ट पेडोलॉजी आती है। जैसे सीटेट का सिलेबस, जैसे आपको दो लैंग्वेज चुननी होती है, पहली लैंग्वेज आप अपने स्टेट वाइज के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। जैसे यूपी वगैरह के बच्चे हिंदी को चुनते हैं, जैसे असम के बच्चे असमिया को चुनते हैं, ऐसा आप जो भी चाहें अपने सुविधा के अनुसार लैंग्वेज को चुन सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश होती है या संस्कृत या उर्दू, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उस लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट होता है जो सबके लिए कंपलसरी है, CDP, इसके बाद EVS होता है तथा मैथ, ये जो है ना सबके लिए कंपलसरी होते हैं। दो लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन होता है, बाकी ये तीन सब्जेक्ट सबके लिए कंपलसरी होती हैं। CDP आपके 15 नंबर की आएगी तथा 15 नंबर के सब्जेक्ट पेडोलॉजी आएगी। EVS आपका 15 नंबर के आएगा तथा 15 नंबर के EVS के सब्जेक्ट पेडोलॉजी आएगी। मैथ आपका 15 नंबर की आएगी तथा मैथ के 15 नंबर के सब्जेक्ट पेडोलॉजी आएगी। यही प्रोसेस आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या जो भी लैंग्वेज आप चूज करते हैं उसमें रहता है। इसलिए आज के वीडियो के द्वारा हम आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं, आपको सिलेबस से परिचय कराने जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करना। इसलिए चलिए चल के हम चलते हैं, सबसे पहले उसका सिलेबस का अध्ययन करने चलते हैं। और आपको सबसे पहले हम बाल विकास और शिशु स्वास्थ्य के सिलेबस के बारे में परिचय करा रहे हैं। देखिए, जो बोर्ड ने आंसर सिलेबस दिया हुआ है उसमें सबसे पहला टॉपिक उन्होंने दिया है विकास के अवधारणा व अधिगम से संबंध, दूसरा बाल विकास के सिद्धांत, अनुवांशिकता व वातावरण का प्रभाव, सामाजिकरण की प्रक्रिया, प्याजे, कोहलबर व वाइगोत्स्की के सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि निर्माण व बहुआयामी बुद्धि, भाषा व चिंतन, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, व्यक्तिक विभिन्नता, अधिगम का मूल्यांकन, विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, विकलांग व अधिगम असंगतता वाले बालकों की पहचान, प्रतिभाशील व सृजनशील व विशिष्ट बालक की पहचान, बच्चों में सोचना व सीखना, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया, बच्चा एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, संज्ञान व अधिगम, उपर्युक्त टॉपिक आपने देखा कि ये बोर्ड के द्वारा हमें सीटेट के लिए दिए गए हैं। और लेकिन सीटेट में आते तो 15 नंबर के क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सीटेट के लिए कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं जिससे सीटेट हर बार क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, उनको मैं मोस्टली अध्ययन करता हूँ। और सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप पहले तो पढ़ने के बाद हर सब्जेक्ट के आपको की वर्ड ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि उन कीवर्ड के बाद द्वारा आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो क्वेश्चन आपके सही होते हैं, क्योंकि पेडोलॉजी हमारे सेंस पे डिपेंड करती है। लेकिन और उस पेडोलॉजी को कोई भी याद नहीं कर सकता, पेडोलॉजी को हम सिर्फ समझते हैं, क्योंकि पेडोलॉजी को याद करने की चीज़ नहीं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा जो पेडोलॉजी के क्वेश्चन भी लर्न करने की कोशिश करते हैं, जबकि पेडोलॉजी सिर्फ हमारे सेंस और अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड होती है।
इसलिए मैं आपको पैडोलॉजी के लिए कुछ ऐसे कीवर्ड बताऊंगी कि उस कीवर्ड को जैसे ही आपको क्वेश्चन में मिलेगा आप तुरंत समझ जाएंगे एक सेकंड में कि यही इस सब्जेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसे विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इसी टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको बाल विकास के प्रति इंटरेस्ट, उसकी समझ डेवलप होती है। जैसे बाल विकास का सिद्धांत है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। और उसके बाद अनुवंशिकता व वातावरण, इसके बारे में भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, लेकिन ये भले इससे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्टली CDP को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है बाल विकास में। प्याजी, कोलबर्ग और वाइगोत्सकी, ये तीनों को तो हम कह सकते हैं CDP में CTET के की है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर जरूर आता है। इससे जैसे प्याजी का सिद्धांत है, प्याजी का स्कीमा के बारे में प्याजी ने बताया, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था, बाल केंद्रीय शिक्षा, जैसे हम सब जानते हैं वर्तमान की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रीय शिक्षा ही चल रही है, प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा का जैसे मैं प्रतिपादक ज्ञान डीवी निकेत, ऐसे बहुत सारे। जब हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे ना तो बहुत ईजी है। CDP आपको भले बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, आप मुझसे एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको CDP में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट आ जाएगा सिलेबस में। भाषा व चिंतन, आप सब जानते हैं बालक जैसे ही हमारा विचार होता है तो विचार क्या करते हैं, हम भाषा से ही तो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो बालक भी जब छोटा होता है तो अपने विचार को भाषा के द्वारा ही दूसरे के सम्मुख व्यक्त करता है। तो इसमें भाषा से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, हम एक अच्छा कक्ष में जैसे भी हम, क्योंकि हम CTET का एग्जाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम तो चाहते हैं कि एक टीचर बनना, और टीचर बन के हमारा मुख्य उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो बालक के एक कक्षा में हमारे मिनिमम 25 से 30 अगर स्टूडेंट है तो हर बच्चा अपने आप से अलग होगा। तो इसीलिए एक अच्छा कक्ष में हमें जब भी शिक्षा कार्य करें तो हमें व्यक्तिगत विभिन्नता का बहुत ध्यान रखना होता है। इसी कारण ये टॉपिक शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम क्या तात्पर्य क्या होता है, अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। जो बच्चे ने सीखा उसका मूल्यांकन करके पता करते कि बालक को क्या आया क्या नहीं आया। उसके बाद हम निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। जब हम सब जानते हैं निदानात्मक में हम समस्या का पता लगाते हैं, जबकि उपचारात्मक में हम समस्या का समाधान करते हैं। उसके बाद हम अधिगम असक्तता वाले बालकों की पहचान, प्रतिभाशील व सृजन बालकों की पहचान, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, बच्चों के बारे में सोचना व सीखना, इन सब टॉपिक का हम अध्ययन करते हैं। आप सब जानते हैं कि ये सारे टॉपिक जो है ना हमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सॉरी फॉर PDF को थोड़ा सो गया। चलिए अब हम अध्ययन करते हैं हिंदी भाषा व शिक्षा शास्त्र का। हिंदी उनके लिए जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी को लिया है, अधिकतर बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी को लेते हैं, या तो आपके स्टेट की जो भी भाषा वो ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपका एक अपठित गद्यांश एक अपठित पद्यांश होता है, जिससे 15 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तथा 15 नंबर के क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट पेडोलॉजी से आते हैं। अब हम जानते हैं हिंदी की पेडोलॉजी के बारे में। इसके भी कुछ टॉपिक आप देख रहे हैं, हर पेडोलॉजी के कुछ टॉपिक तो बिल्कुल एक दूसरे से मैच करते हैं। इसलिए पेडोलॉजी सबसे पहले हम ये पता होना चाहिए पेडोलॉजी क्या। पेडोलॉजी एक कला है या एक ज्ञान जिसके माध्यम से शिक्षण को करते हैं। हमने अपने BEd, BTC या DLED जो भी किया होगा उसमें हमने 2 साल की ट्रेनिंग में यही सीखा कि हमें कक्षा में जाके बच्चों को पढ़ाना कैसे है। बस उसी की परीक्षा को, उसी के ज्ञान को हम पेडोलॉजी कहते हैं। वही हमसे पूछी जाएगी। इसमें जैसे अधिगम व अर्जन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा के कार्य, इसके विकास में बोलने व सुनने की भूमिका, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्या, क्योंकि हम जानते हैं जब CTET की जॉब होती है तो ऑल इंडिया जॉब होती है। ऑल इंडिया आपकी जब कहीं भी पोस्टिंग होती है तो आपको अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग स्टेट के बच्चे मिलते हैं। जब अलग अलग स्टेट के बच्चे मिलते हैं तो हम सब जानते हैं कि उनकी भाषा भी अलग अलग होती है। जैसे हमने एक काऊ सुना भी होगा, कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में बदले बानी, मतलब हमारे स्टेट में जो कई बार हो सकता है एक ही क्लास में 2 बच्चे हों जो उनकी भाषा बिल्कुल अलग अलग होगी, तो हमें उनकी भाषा जो होगी उसको एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना है, ना कि उसे बाधा के रूप में। इससे क्वेश्चन पिछली बार का ही CTET में आया था, इस बार के भी
सीटेट में क्वेश्चन आया था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद भाषा बोध, भाषा के चार मुख्य कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। स्किनर ने भी इनके बारे में बताया, इससे भी क्वेश्चन आता ही है। शिक्षण सहायक सामग्री TLM, TLM का तो हम 100% यूज करेंगे ही, तभी हमारा शिक्षण कार्य प्रभावी होगा। उपचारात्मक शिक्षण, ऊपर की वीडियो मैंने आपको बताया ही उपचारात्मक शिक्षण क्या है। इसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज, ये सेकंड लैंग्वेज के रूप में हम चॉइस करते हैं। इसके अलावा भी हम सेकंड लैंग्वेज के रूप में हम संस्कृत या उर्दू का भी चुनाव कर सकते हैं। अभी मैं आपको इंग्लिश के बारे के सिलेबस के बारे में परिचय करा रही हूँ, बहुत जल्द आपको संस्कृत के बारे में भी सिलेबस दूंगी। अब इसमें क्या होता है, ग्रामर में भी वही प्रोसेस जैसे हिंदी में रहता है, अनसीन पैसेज वो अनसीन पोएम। तो 15 नंबर की आपकी सब्जेक्ट पेडोलॉजी इसमें भी आएगी। इसमें जैसे लर्निंग एंड इक्विवेलेंट, जैसे आपने देखा ऊपर भी लर्निंग, अधिगम को ही तो लर्निंग बोलते हैं, ऊपर भी वही, मतलब हर सब्जेक्ट की पेडोलॉजी काफ़ी हद तक सेम है। बस आपको एक बार अच्छे से पेडोलॉजी पढ़ लेना, हर सब्जेक्ट के कुछ अलग टॉपिक हैं, कुछ सेम है, उनको अलग अलग आपको कर लेना कि जो सेम है उनको एक साथ पढ़ लीजिए, जो अलग अलग है उनको अलग अलग पढ़ लीजिए, और बहुत इजीली आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज, चैलेंजेज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज स्किल, एवोल्यूशन ऑफ कंप्रेशन एंड लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग आप सबने पढ़ी होगी अपने BED या BTC या DLED जो भी आपने किया होगा उस एग्जाम में। अब हम पढ़ते हैं गणित व शिक्षा शास्त्र। गणित के अंतर्गत कुछ टॉपिक इन्होंने दिए हैं, जैसे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, LCM, SCF, मापन प्रणाली, ज्यामिति व आकृतियाँ, अंकगणित पर आधारित समस्याएँ, आंकड़ों का प्रबंध तथा प्रतिरूप। शिक्षा शास्त्र में गणित की क्या क्या, गणित की प्रकृति, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। इसके अतिरिक्त पता है गणित में क्या होता है, गणित का जो होता है ना भाषा को बच्चे की NCF ने क्या क्या, इसका भी हमें पता करना है। गणित की फिर बालक की रुचि कैसे उत्पन्न करें, इन सब का चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। गणित में मूल्यांकन, शिक्षण की समस्या, गणित शिक्षा में त्रुटि विश्लेषण, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण। ये आपने देखा हर सब्जेक्ट की पेडोलॉजी में ये एकदम कॉमन सी चीज़ है, निदानात्मक व उपचारात्मक। ऐसे देखा आपने अभी सब्जेक्ट के सिलेबस में इतना मिस मैच कर रहा है, तो आगे ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैच आराम से करेंगे। पर्यावरण शिक्षा शायद, पर्यावरण शिक्षा इन्होंने कुछ टॉपिक के नाम दिए, परिवार व मित्र, जंतु व पौधे, भोजन व पोषण, जल आश्रय, यातायात, पर्यावरण पारिस्थितिकी। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत इन्होंने दिया पर्यावरणीय अध्ययन, अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के संबंध व क्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तरीके, गतिविधियाँ व प्रयोगात्मक का, सतत व व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्री, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्याएं। इस तरह से आपने जाना कि क्या क्या हमारे सिलेबस में सीटेट ये प्राइमरी लेवल के लिए, बहुत जल्द हम जूनियर लेवल के लिए भी सिलेबस बनाएंगे। अब इसके द्वारा हम आपको बताएंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, लेट्स स्टार्ट स्टडी चैनल के द्वारा आपको सीटेट की तैयारी कैसे कराई जाएगी। देखिए सीटेट की तैयारी करना बहुत ही ईजी है, बस हमें कुछ राइट डायरेक्शन होनी चाहिए। और सबसे पहली बात, ये आराम से आप बिना कोचिंग के तैयारी कर सकते हैं, बिना कोचिंग के आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरी कुछ स्ट्रेटजी मैं बताऊंगी, उसको फॉलो करना है। मैं आपको हर संडे को एक टारगेट दूंगी, उस टारगेट को आपको फॉलो करना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसलिए मैं हर वीक का आपको टारगेट दूंगी, उतना आपको स्टडी करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और मैं खुद NCERT के नोट्स बना के आपको कंप्लीट कराऊँ, क्योंकि NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो हर हाल में NCERT की बुक पढ़नी होगी और तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरह पूछी जा रही है और हम क्या समझ रहे हैं। कई बार क्या होता है, इंसान को क्वेश्चन आते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में जाके हम उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते और हम गलत कर देते हैं, बाद में हमें समझ में आता है अरे ये तो इतना ही जी था। इसलिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हम बहुत जल्द एनसीईआरटी को सॉल्व, एनसीईआरटी के में टॉपिक वाइज, जैसे आपका पहला चैप्टर है परिवार और मित्र, तो हम एक दिन एक टॉपिक लेंगे, पूरी एनसीईआरटी बुक के नोट्स बना के आपको पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड करेंगे तथा आपको उसका वीडियो बना के उसको पढ़ा भी देंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तथा टॉपिक वाइज भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप हमें कुछ दिन रेगुलर फॉलो कर लेंगे तो वीडियो हमारे देखेंगे तो बहुत जल्द आपको लगेगा कि सीटेट क्लियर करना रियली बहुत ईजी है, और लगातार हमारे वीडियो से क्या होगा, आपको इम्प्रूवमेंट होगा, आपको लगेगा वाकई आपको काफ़ी नॉलेज गेन हो रहा है। इस तरह से हम अपनी सीटेट की तैयारी को स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्द। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा आपको, तो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को, ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी वीडियो बना सकें, और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।